ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोपहर से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने कासल के अंदर काफी सारे टेराकोटा ब्लॉक्स लगाए थे, जिसकी वजह से अपनी कासल की लुक काफी ज्यादा बढ़िया हो गई है। अब यार देखो, उससे भी ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि ये जो अपना ऑटोमेटिक वाला डोर था ना, ये वापस से काम करने लग गया है, क्योंकि यहां पर क्रीपर ने ना इसमें कुछ तोड़ा फोड़ी कर दी थी, जो कि मैंने ठीक कर दिया है। बाकी यार आप लोग यहां पर इन टेराकोटा ब्लॉक्स की लुक देख पा रहे हो, कितना ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन करा है मैंने। अब वैसे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं यहां पर, तो आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में जाकर ना गाइस जरूर बताना। मेरे को तो फिलहाल ठीक ठाक लग रहा है, बट अभी ना थोड़े बहुत चेंजेस मेरे को करने हैं, जैसे कि यहां पर मैंने नॉर्मल वाले स्टोनी लगाते हैं, तो इनको भी मैं बाद में चेंज करूंगा। और गाइस उससे अच्छी चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अंदर की तरफ मैंने एक छोटा सा कमरा मैंने बनाया है, और यहां पर ये जो टॉर्चेस है ना गाइस, अभी मैं हटा दूंगा, क्योंकि यहां पर मॉब्स स्पॉन, ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो जाए, इसलिए मैंने ये रखी है। और बाकी काफी ज्यादा बढ़िया पीछे मैंने एक छोटा सा एरिया दे दिया है, यहां पर जितना भी मेरा फालतू का सामान होगा, जैसे चेस्ट होगी, क्राफ्टिंग टेबल। अब यार देखो, इसके बाद मैंने बनाया था ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म, जिसके अंदर से अनलिमिटेड शुगर केन मिलता रहेगा, और उस अनलिमिटेड शुगर केन से मैं अनलिमिटेड पेपर्स बना सकता हूं और विलेजर से ट्रेडिंग कर सकता हूं। खैर अभी ना फिलहाल एक विलेजर है, उससे मैंने काफी ज्यादा ट्रेडिंग करी है, और यहां पर थोड़े बहुत ना गाइस मेरे को एमरल्ड्स भी मिल गए हैं, उसको मैंने काफी सारे पेपर्स दिए थे। तो बिना जल्दी से यहां पर एक काम करता हूं, ओ भाई इतना सारा शुगर केन मेरे को और मिल गया। चलो भाई ये मशीन ना काफी ज्यादा बढ़िया है, अगर मैं इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड करूंगा ना, तो इसके अंदर से मेरे को और भी ज्यादा शुगर केन मिलने वाला है। तो गाइस अभी ना जल्दी से एक काम करता हूं, बहुत खेल लिया टीपीपी मोड, अभी जल्दी से अपनी गेम को एफपीपी में करते हैं और विलेजर से ट्रेडिंग करने चलता हूं। बट ट्रेडिंग करने से पहले ना, यहाँ पर मेरे पास 12 एमरल्ड्स हैं, तो मेरे पास ना थोड़े बहुत एमरल्ड, ये देखो यहाँ पर 4 एमरल्ड और पड़े हैं। अभी जल्दी से ना मैं गाइस विलेजर के पास चलता हूँ और उससे देखते हैं कि आखिरकार वो अब क्या ट्रेडिंग करने वाला है, क्योंकि गाइस क्या होता है, जो कार्टोग्राफर होता है ना, उससे अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो एक टाइम बाद ना हमें एक मैप देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर मतलब खजाना वगैरह मिलता है। तो यहाँ पर कार्टोग्राफर ये है ना, कार्टोग्राफर ये देखो, इसी से मैंने ट्रेडिंग करी थी। और गाइस अब ना ये मेरे को यहाँ पर 11 एमरल्ड्स के बदले मेरे को देने वाला है ओशन एक्सप्लोरर मैप। चलो यार देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। यहां पर एक काम करता हूं गाइस, ये कह रहा है कि ना एक कंपास लेकर आओ, तो गाइस अभी जल्दी से यहां पर मैं कंपास लेकर आता हूं, ताकि मैं मतलब कि ये कुछ होगा इसका सीन, तो ये बनाकर देगा भी हमें मैप। तो जल्दी से ना हम लोग यहां पर एक कंपास लेकर आते हैं। और वैसे कंपास की रेसिपी के लिए हमें थोड़े आयरन इंगट और एक रेडस्टोन चाहिए होता है, जहां तक मुझे पता है। वैसे रेडस्टोन मेरे पास काफी सारा, ये देखो पड़ा हुआ है ऑलरेडी। एक काम करता हूं, मेरे पास आयरन 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 तो मेरे पास अभी सब कुछ है यार, मैं खुद ही बना लेता हूं। तो चलो यार अभी ना कुछ इस टाइप से रखना होता है यहां पर, और इसको हटाओ और बीच में एक ओके। तो चलो भाई यहां पर मैंने कंपास बना लिया, काम करता हूं दो बना लेता हूं, एक मेरे भी काम आएगा। मेरा वाला कंपास अभी पता नहीं किस चेस्ट में पड़ा हुआ है, इतना ध्यान नहीं देता यार अभी मैं। तो जल्दी से ना इसको यहां पर रखो, और गाइस दो कंपास बन गए हैं। अभी जल्दी से ना इन दो कंपास को मैं लेकर चलता हूं उस विलेजर के पास, ट्रेडिंग करके देखते हैं कि आखिरकार वो इसके बदले में क्या देने वाला है। और ओशन एक्सप्लोरर मैप के लिए ना गाइस मैंने काफी सारी ना टिप्स भी पता कर रखी है, कि अगर हमें पानी में जाना होता है ना, तो हमें क्या क्या अपने पास होना चाहिए। तो अभी जल्दी से ना पहले इसके पास चलते हैं और देखते हैं हमें मैप देता है, वैसे दे ही देगा, सीधी सी बात है। चल भाई कहां गया ये रहा कार्टोग्राफर, ये ले भाई तेरे लिए मैं लेकर आ गया। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर इसने मेरे को ओशन एक्सप्लोरर मैप दे दिया है कुछ एमरल्ड्स के बदले, और एक कंपास मैंने से दिया था। तो गाइस जैसा कि आप लोग इस मैप में देख पा रहे हो, सेंटर में ना एक ब्लू डॉट सा बना हुआ है, तो गाइस ओशन के बीच में ना ये कोई जगह होगी अंडर वाटर, तो हमें वहां पर जाना है, इस जगह को एक्सप्लोर करने, क्या पता वहां पर हमें काफी ज्यादा खजाना देखने को मिल जाए। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। बाकी जो अपनी लोकेशन है यहां पर मैप के एकदम लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की साइड देखो, एक व्हाइट डॉट आ रहा होगा, तो अभी हम यहां पर है। तो गाइस इस मैप में शो हो रहा है कि हम लोग हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और हमें यहां पर पहुंचने के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो भी यहां पर जाने से पहले जितनी भी काम की चीजें होती है ना, वो मैं इकट्ठी कर लेता हूं, क्योंकि पानी के अंदर जाना और वहां पर मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा होते हैं मैंने सुना है। तो एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले ना मैं एक ऐसा पोशन बनाता हूं जिसके अंदर हमें पानी की में सांस लेने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब ऐसा होता है ना अंडर वाटर स्विमिंग करो तो मरने लग जाते हैं। तो उस पोशन को बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो हमें थोड़े बहुत बॉटल्स बनानी पड़ेगी, और बॉटल्स बनाने के लिए हमें ग्लास बनाने पड़ेंगे। अब ग्लास बनते हैं यहां पर फर्नेस से, तो इस सैंड को यहां पर मैं फर्नेस के अंदर डालता हूं, इससे ग्लास बनेंगे, उन ग्लास से मैं बॉटल्स बनाऊंगा, और उन बॉटल्स में हम लोग पोशन बनाएंगे। अब पोशन बनाने के लिए मेरे को चाहिए होती है कुछ यहां पर नेदर वॉट, नेदर वॉट प्लीज मिल जाए यार, आज जरूरत तो नहीं मिल रही। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हमको 3 नेदर वॉट मिल चुकी है, और साथ में मेरे को ना कुछ यार फिशिंग करने जानी पड़ेगी। एक फिश चाहिए होती है हमें, उस फिश का नाम था प्लफिंग फिश करके, उसका कुछ नाम होता है, वैसे मेरे को उसका नाम अच्छे से याद नहीं, बट उसकी शक्ल याद है, वो येलो कलर की होती है, थोड़ी बहुत मोटी सी। तो भी ना जल्दी से यहां पर मैं एक फिशिंग रॉड लेता हूं, एक बकेट मेरे पास ऑलरेडी है, तो भी जल्दी से यहां पर मछलियां पकड़ कर लाएंगे। बाकी यार ग्लास मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, वैसे अभी तक तो यार ग्लास बन गया होगा। अभी जल्दी से यहां पर देखो 6 ग्लास बन गए, मेरे को इतने की जरूरत भी नहीं है। अभी यहां पर एक काम करता हूं, इन ग्लास से मैं पहले 3 बॉटल्स बना दूं, 3 यार ज्यादा बॉटल्स बना लेंगे ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है ना कितने पोशन की जरूरत हो। तो अभी यहां पर मैंने ये 3 बॉटल्स तो ले लिए हैं, इन 3 बॉटल्स के अंदर ना गाइस जल्दी से मैं पानी भर लेता हूं, और यहां पर पहले तो जितनी भी फालतू की चीजें हैं ना, उनको मैं बाहर निकालता हूं। ओ भाई सारी की सारी चेस्ट भर गई है मेरी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जितना भी फालतू का सामान है, वो मैंने सारा का सारा इस वाली चेस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया है, और यार बाहर चेस्ट बना बना के ना जगह पूरी भर चुकी है। तो मुझे ना सारी की सारी चेस्ट ना यार अपने कासल का जो पीछे वाला रूम है उसके अंदर शिफ्ट भी करनी है। खैर छोड़ो,
पकड़ो वो बात का काम है, अभी जल्दी से मैं फिशिंग करने चलता हूँ, सबसे पहले वाली जो फिश है उसे पकड़ कर लाते हैं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते अपनी कासल के काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ। यहीं पर गाइस पास में काफी ज्यादा बड़ा ओशन है और इसके अंदर ना हर वो एक चीज मिल जाती है जो कि पानी के अंदर मिलनी चाहिए। तो अभी जल्दी से ना गाइस मैं एक काम करता हूँ, अपनी फिशिंग रोड को इसके अंदर डालता हूँ और ये मैंने हमारी लंबी जंप और ये काफी ज्यादा दूर गई है। प्लीज यार एक ना एक मछली जल्दी से मेरे हाथ लग जाए, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर काफी सारी फिश है तो जरूर मैं एकदम आराम से पकड़ लूंगा। फिलहाल 3-4 फिश ऊपर तो आई है, कोई तो आओ बे। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर खड़े खड़े काफी ज्यादा देर हो गई और अभी तक मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ दो ही फिश लगी है और जिनमें से वाली फिश एक भी नहीं है। अबे ये ऑक्टोपस बार बार आ रहा है, इसी को पकड़ के खींच लूंगा। अभी फिलहाल एक फिश आई, एक आई 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 आजा 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 इसकी ऐसे की तरह। ओ भाई आई आई कोई नई फिश आई यहाँ पर, ये है रोस। नहीं यार ये वाली फिश नहीं चाहिए मेरे को, जो फिश है उसका प्लफिंग नाम है मेरे हिसाब से वो इस साइड पर नहीं मिलने वाली। एक काम करता हूँ किसी और साइड पर जाकर मैं फिशिंग करता हूँ, अगर मिलनी होती तो यार इतनी देर में मैंने 3 पकड़ ली, एक ना एक तो मिली जाती। यहाँ पर एकदम सेंटर में डालता हूँ भाई, ज़्यादा दूर फेंका है और यहाँ पर जो छींटे तो आ रहे हैं कोई ना कोई फिश जरूर आएगी। ओके 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 आई है एक फिश। ओ भाई यहाँ पर शायद से वही वाली फिश है। ओ गाइस फाइनली यहाँ पर मेरे को आ गया है, इसका नाम प्लफिंग नहीं होता, इसका नाम है पफर फिश। ठीक है तो चलो यार अभी ये जो पफर फिश है मैंने पकड़ ली, इस तरफ में गाइस ये आराम से मिल रही है तो अभी एक दो बार और पकड़ता हूँ क्योंकि मेरे को भी सिर्फ वैसे तो एक ही फिश चाहिए बट अभी जितनी मिलती है उतनी ले लेते, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आने दो आने दो, थोड़ा सा और वेट करते हैं कोई ना कोई तो आएगा। वैसे अगर जो ट्रेडर होता है ना उससे हम लोग ट्रेड कर भी ये वाली फिश ले सकते हैं। आई 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 एक बात, अबे यार ये तो दूसरी वाली है। चलो कोई नहीं अभी थोड़ी देर और ढूंढते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल फिशिंग करते करते यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो गया और अभी तक मेरे हाथ में सिर्फ, ओबे भाई सब फैंटम कहाँ से आ गए, अबे मैंने 4 ही मछली पकड़े तुम्हारी हंसी की तस्सी। गाइस अभी मैं वापस निकल रहा हूँ, यहाँ पर ये लोग पता नहीं कहाँ से टपक गए। अभी मैं सोया था भाई लास्ट नाइट कौन से नशे में है, लेकिन आजा आजा तेरी भैंस की डंग निकल यहाँ से। अभी गाइस यार जल्दी से मेरे को वापस पहुंचना पड़ेगा, फिलहाल अभी तक तो ये मेरे को मार नहीं पाया बट अगर अभी आएगा तो शायद से मेरे को मार सकता क्योंकि मैं पानी में। आजा 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 निकल यहाँ से निकल भाई, इस बार ही भूत बना दिया मैंने। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मेरे को सिर्फ सिर्फ 4 ही पफर फिश मिली है, अपनी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे हिसाब से वैसे 4 में तो काम हो जाएगा बट यार अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से मैं ऐसे वापस निकलता हूं अपने घर के लिए। भाई इतने सारे मॉब्स, इतने सारे स्केलेटन्स एंड ज़ॉम्बी है भाई, उधर से नहीं मेरे को यहां से जाने दो गाइस, इधर काफी सारे क्रीपर मॉब्स और स्पाइडर। ओ भाई फूटा है फूटा। ओ भाई साहब अभी जल्दी से गाइस मेरे को निकलना पड़ेगा, ये लोग मेरे पीछे बहुत ही बुरी तरह हाथ धोकर पड़ गए हैं और अभी फटाफट से मैं निकलता हूं। स्केलेटन तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, दिन में आके पंगे मत ले मेरे से। अभी यार जल्दी भागो यार वरना ये भूत बना देंगे अपना साथ में। एक तो ये जो फैंटम है ना भाई, ओबे तेरी है इसकी तस्वीर बहुत तेज लगी है बे, अभी जल्दी से जाने दे। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं भागते भागते पहुंचने वाला हूँ अपने कासल पे और मेरे पीछे काफी सारी स्पाइडर्स भी पड़ गई है। बाकी यार अपना कासल कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार दूर से देखने में, तो भी जल्दी से मैं अंदर चलता हूँ। आजा 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 तेरी ऐसे की तरह से गेट पे मुंह पे लात देकर भागा, भाग यहाँ से भाग, वो ऊपर से चढ़कर आ जाएगी। नहीं 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 चलो भाई यहाँ पर 2 अटैक में मैंने मार दिया, बाहर ही आके मारूंगा, भाग यहाँ से इसकी ऐसे की तरह से निकल, यहाँ मेरे कासल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन दोनों को मार दिया बट यार अपने को अभी भी फैंटम से खतरा है क्योंकि यार देखो वो तो ऊपर से आएगा ना, उसको यहाँ पर दीवार विवार टापने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो यार बाढ़ में जाए फैंटम, अभी जल्दी से काम करता हूं, जो भी चीजें मैं लेकर आया हूं इनसे जो हमें चीज बनानी है वो यूज कर दे। ठीक है तो देखो यार सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा यहां पर मेरे को क्या कहते हैं ब्लेज पाउडर, तो यार मेरे को थोड़ा सा ब्लेज पाउडर भी चाहिए होगा क्योंकि ब्रिंग स्टैंड ना तभी काम करता है। अभी फिलहाल यार मेरे पास काफी सारा ब्लेज पाउडर था, कहां चला गया। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से वो वाला पोशन बनाते हैं जिसको पीने के बाद हम लोग पानी के अंदर भी सांस ले पाएंगे या फिर आप कह सकते हो जिंदा रह पाएंगे लेकिन लिमिटेड टाइम तक। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ब्लेज पाउडर चाहिए और ब्लेज पाउडर गाइस हमें ब्लेज रोड से मिल जाता है और ब्लेज रोड मिल जाते हैं नेदर पोर्टल के फोर्ट्रेस से जो वहां पर होते हैं ना मॉब्स उनको मारने से। तो भी यहां पर सबसे पहले गाइस हमें चाहिए एक ब्रूइंग स्टैंड, तो ब्रूइंग स्टैंड तो आप पे होएगा ही नॉर्मली, तो यहां पर थोड़ा सा ब्लेज पाउडर रखना है। वैसे थोड़ा सा नहीं यहां पर 2 पीस में रख देता हूं मतलब यहां पर और बाकी मैं स्टोर करवा देता हूं क्योंकि अभी मेरा फोर्ट्रेस में जाने का दोबारा मन नहीं है, उसको मैं बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता हूं। तो ये दो चीजें मैंने यहां पर रख दिया है और जो मेरे पास ये 3 बोतल है ना गाइस, इन तीनों बोतल के अंदर हमें सबसे पहले पानी फिल करना होगा। तो पानी की तो गाइस कोई कमी है नहीं, यहां से एक बोतल होगी दूसरी तीसरी। तो चलो यार अभी तीनों बोतल में मैंने पानी भर लिया है, इन तीनों बोतल को ना गाइस इसके अंदर लगा देता हूं। ठीक है अभी तीनों बोतल लगा लिया है, अब सबसे पहली चीज गाइस यार हमें यहां पर डालना है नेदर वॉट। अब नेदर वॉट से पता नहीं क्या होता है बट ये है कि इसके बाद सबसे पहला प्रोसेस यही है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अपनी तीनों बोतल के अंदर जो पोशन है इस टाइम पर वो ऑकवर्ड पोशन बन चुका है। अभी जल्दी से ना अपनी नेदर वॉट को मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ पर रखते हैं अब हम लोग पफर फिश, 4 रख देता हूँ, पता नहीं कितनी यूज इसके अंदर होने वाली है, वैसे मेरे हिसाब से 1 में ही काम हो जाएगा। अभी जल्दी से इसको होने देते हैं। अब यार देखो इसके बाद जो अपना पोशन है ना वो रेडी हो जाएगा लेकिन वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट तक, जैसा लावा वाले की बारी में हुआ था। तो 3 मिनट तक जो काम करता है ना उसके बाद हमें हल्का सा रेड स्टोन डालना होता है जिससे उसके अंदर थोड़ी और पावर आ जाती है और वो फिर 3 मिनट की बजाय ना गाइस 8
60 मिनट तक काम करता है। तो भी यहाँ पर थोड़ा सा रेडस्टोन लेना है और ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और ये सारे के सारे बन चुके हैं इस टाइम पर। पोर्शन ऑफ वाटर ब्रीथिंग यानी पानी के अंदर भी हम लोग अब सांस ले सकते हैं इसको पीने के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेडस्टोन रखेंगे ना। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये रेडस्टोन डस्ट से मैंने इसे मतलब कि पोर्शन के अंदर डाल दिया और यहाँ पर मेरा ब्लेज पाउडर एक भी नहीं यूज हुआ भाई। सही बात है, चलो कोई नहीं, वापस आ गया सारा। तो चलो अब यहाँ पर जो अपनी पोर्शन है बन चुके हैं, पहले ये 3 मिनट तक थे, अब रेडस्टोन डालने के बाद ये 8 मिनट तक हो चुके हैं। तो जल्दी से यहाँ पर मैं तीनों पोर्शन ले लेता हूँ। और गाइस पानी के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रिक होती है सांस लेने की, वो होती है डोर। अब यार देखो डोर बनाने के लिए हमें थोड़ी बहुत वुड चाहिए होती है। वैसे यार वुड मेरे पास कभी टाइम पर नहीं मिलती है कोई भी चीज यार, काफी सारी वुड्स मेरे पास पड़ी थी, प्लीज मिल जा एक बार इस वाली चेस्ट के अंदर, देखता हूँ। नहीं यार अभी यार मेरे को ना अपने घर के अंदर काफी सारे ना ट्री भी लगाने पड़ेंगे यार, वुड लेने दूर दूर नहीं जाऊंगा मैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं भाग कर सामने से थोड़े बहुत पेड़ काट कर वुड ले आऊँ, और वैसे भी ज्यादा वुड नहीं लाऊ, सिर्फ 3-4 पेड़ काटे थे, उसी में जितनी मिल गई मिल गई। और यहाँ पर भी फटाफट से ना इन वुड से मैं सबसे पहले यहाँ पर प्लैंक्स बनाता हूँ और अभी देखते हैं। 48 प्लैंक्स बन चुके हैं और इन 48 प्लैंक्स से जितने भी डोर्स बनने वाले हैं ना वो सारे के सारे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। और गाइस डोर क्राफ्ट करने की रेसिपी मेरे को शायद से याद है, तो भी जल्दी से यहाँ पर जो भी है इसको मैं यूज करता हूँ। फिलहाल आधे इधर रखे और थोड़े से इधर डाल देता हूँ, पता नहीं यार कितने बनने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर 18 डोर्स बन चुके हैं भाई, ये बहुत ज्यादा है, इतने डोर नहीं चाहिए हमें। और गाइस यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इन डोर की वजह से ना मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ। मान लो बाय चांस मेरा पोर्शन खत्म हो जाए, उसके बाद भी मैं अपना डोर लगाऊंगा और पानी में सांस लेकर दिखाऊंगा। अब जिनको ट्रिक पता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको मैं अभी यूज कर दिखाने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सब कुछ अपने साथ मैंने ले लिया और मेरे हिसाब से अब मुझे उस वाली जगह के लिए निकलना चाहिए। और अपने साथ में गाइस मैंने एक पिकेक्स ले लिया जिसके अंदर सिल्क टच एन्चेंटमेंट है, अभी जल्दी से ना इसको रिपेयर करवाता हूं। अब यार देखो उससे क्या होगा, अगर हम लोग अंडर वाटर जा ही रहे तो आपको पता होगा अंडर वाटर लैंटर्न होते हैं सी लैंटर्न, तो वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, तो वो मैं कलेक्ट करके ले आऊंगा अपने कास्ट में लगाने के लिए। तो क्या होता है उसको ना नॉर्मली तोड़ने से नहीं मिलता, सिल्क टच वाली डायमंड मतलब सिल्क टच वाली पिकेक्स से तोड़ने पर मिलता है। तो ये सब कुछ हो चुका है, सारे टूल्स हो गए, एक काम करता हूं मेरे पास जो बो है ना इसके लिए मैं थोड़ी सी एरो भी ले लेता हूं। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अनक्राफ्टेबल ट्रिप एरो ले लिया अपनी बो के लिए जो कि मेरे को मिले थे एक्सपी फार्म से। और यार अभी मैं पता क्या सोच रहा हूं कि यहां पर गाइस मैं टोटेम ऑफ अंडाइंग ले लूं ताकि अगर मैं पानी के अंदर मरूं तो वहीं के वहीं दोबारा जिंदा हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि यार हम लोग इतनी दूर जाएं भी और उसके बदले हमें कुछ मिले भी ना, और अगर मैं दोबारा जिंदा होऊंगा ना तो सीधा मैं वापस आऊंगा। और अभी ना गाइस खाने पीने का भी काफी सारा सामान जो मैंने पहले से बना कर रखा था वो इकट्ठा कर लिया है। तो भी बिना किसी देरी के हम लोग निकल लेते हैं सीधा उस जगह को ढूंढने। और वैसे भी जिस डायरेक्शन में मेरे को जाना है पहले मैं अपनी डायरेक्शन पता करता हूं यहां पर, तो मेरी डायरेक्शन इस टाइम पर एक सेकंड यार खुल, तो कि गाइस अभी ना फिलहाल जो मेरी डायरेक्शन है वो इस टाइम पर हो चुका है साउथ और मेरे को जाना है नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट अपनी कौन सी डायरेक्शन रहेगी, एक सेकंड यहां पर इसके अंदर अभी दिखेगा। तो गाइस देखो आप लोग को तो शायद सही से नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखकर आ रहा है, बट अभी मेरे पास स्क्रीन बढ़िया इसलिए मेरे को नजर आ रहा है। तो गाइस ये जो डायरेक्शन है ना ये है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, तो अभी मेरे को बस यहाँ से सीधा सीधा जाना है और अभी मैं इस जगह पर पहुंच जाऊंगा। अभी चलकर देखते हैं कि हम लोग इस जगह पर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं बहुत देर से भाग रहा हूँ और भागते भागते लिटरली यार रात हो चुकी है, बट यार अभी तक जगह कुछ अता पता नहीं है। वैसे ये अच्छी बात है कि पहले जो मैप है ना उसके अंदर मेरी डोट यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में आ रही थी नीचे, बट यार अभी वो जो है ना एक मिड में आ चुकी है लेफ्ट साइड पर। तो भी गाइस जल्दी से मैं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ, यार यहाँ पर पीछे की तरफ में भी काफी सारे मॉब्स आ रखे हैं। अभी यार फटाफट से मैं जल्दी चलता हूँ, कुछ पता नहीं यार अभी मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ और कब तक अपनी उस लोकेशन पर मैं पहुंचूंगा। यार देखो ये जो जगह है ना यार मेरे को नहीं लग रहा यार मिलने वाली है, एक काम करता हूँ यार बहुत देर में मैं उस डायरेक्शन में चल लिया नॉर्थ साइड पर, एक काम करता हूं गाइस यार अब ना मैं थोड़ा ईस्ट में चलता हूं। ठीक है ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ चलूंगा ना तो शायद से मेरे को वो जगह मिलेगी। अभी यार मतलब कि ढंग से अभी कुछ नहीं पता, फिलहाल सामने काफी सारे मॉब्स आ रहे हैं, तुम्हारी किसी को नहीं छोड़ूंगा। गाइस मेरे को नहीं लगता कि यार रात में जाने का फायदा है, यहां पर काफी सारे मॉब्स और बेमतलब ही मेरे को मारेंगे और मेरा जितना भी खाना है ना यार वो बर्बाद हो जाएगा। बट यार मैंने अपने साथ अपना बेड भी नहीं ले रखा तो यार मैं सो भी नहीं सकता, तो अभी फिलहाल रुकने का कोई भी फायदा नहीं है, इससे बढ़िया यार चलते ही जाओ। तो कि गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैप के एकदम लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो ये ना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हुआ है, इस साइड पर ना थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रीन ग्रीन सा एरिया आ गया है जो कि अपनी घास है, बाकी आगे चलकर देखते हैं। ओके ओके गाइस शायद से मैं पहुंचने वाला हूँ उस जगह पर, सामने काफी सारा पानी भी आ गया। चलो गाइस फाइनली मैंने इस जगह को ढूंढ लिया, वैसे मेरे कासल के इतना ज्यादा दूर भी नहीं थी, मतलब कि यार एक रात में भी मैं पहुंचने वाला हूँ, मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा दूर होगी, बाकी भी जल्दी जल्दी चलते हैं। वैसे ये देखो गाइस यहाँ पर अभी ना मैप में मेरी लोकेशन शो होने लगी है, अभी जल्दी से पानी के अंदर चलते हैं। ये देखो गाइस ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखो मैप के अंदर अब मैं नजर आ रहा हूँ, तो भी जल्दी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अभी ना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि दिन होने का इंतजार करूं या फिर रात में ही पानी के अंदर चले जाऊं, वैसे रात में ही चलते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है अभी फिलहाल जगह तो मेरे को मिल गई है, बस ना यहां से मेरे को थोड़ा बहुत सीधा और जाना है, और अपने कासल के दूर तो थी बट इतना ज्यादा भी नहीं, तो यार अभी जल्दी से चलते हैं। यहां पर भी फटाफट से ना थोड़ा बहुत खाना भी खाता हूं, पीछे काफी सारे मॉब्स थे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जिस जगह का मुझे इतने टाइम से इंतजार था, और ये जो जगह है ना यार इतनी रात में भी ना एकदम अलग से
ग्लो हो रही है। तो अभी जल्दी से ना थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं। वैसे गाइस यार यहाँ पर ना कुछ अलग अलग टाइप के स्टोन है, तो इनको ना गाइस जल्दी से मैं तोड़ के कलेक्ट करता हूँ कि आखिरकार ये है क्या चीज। अभी फिलहाल देखने में तो काफी ज्यादा अलग से लग रहे हैं यार। एक सेकंड, ये जो मैं पोशन लेकर आया हूँ ना, इसको जल्दी से पी लेता हूँ ताकि मैं पानी में एकदम आराम से सांस ले पाऊँ। अभी फिलहाल एक बोतल तो मैंने पी लिया है। अब यार देखो, अगर मैं नीचे से जाऊँगा ना तो बहुत। एक सेकंड, अभी ये क्या था, ये क्या चीज थी गाइस यहाँ पर? मेरे को लगा कि कोई क्रीपर फूटने वाला है, बट इसने ना मेरे ऊपर पानी का कुछ फुहारा सा मार दिया भाई। कुछ अलग ही सीन है यार इन लोग का तो। और एक सेकंड यार, ये जो मैंने पोशन पिया था ये वेस्ट हो गया क्या यार? ये देखो, पानी के अंदर मैं सांस ले पा रहा हूँ क्या? नहीं 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 यार, सब कुछ ठीक तो है। मेरे को लग रहा था उसने कुछ करा। ये क्या है? ओ भाई, ये क्या था? ये मेरे आगे किसी ने घंटी सी बजाई यार। ये क्या चीज थी? मैं सच्ची में डर गया यार, मेरे को लगा कोई भूत भूत आ गया। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर सुबह हो चुकी है और मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस तरफ में जो मॉन्स्टर है ना वो क्या कर रहे हैं। मतलब क्या यार, इन लोग के अंदर ना कुछ अलग सी सुपर नेचुरल पावर है। ये देखो, यहाँ पर उसने कहीं से अटैक कर रहा है और अभी मेरी हेल्थ चली जाएगी। बच गया बच गया, इस बार मैं बच गया। पता नहीं यार कहाँ से आवाज़ आती है, बट कोई दिख नहीं रहा है। एक मिनट यार, वो जो रेड वाले हैं ना, मतलब उनकी शक्ल भी काफ़ी ज़्यादा अजीब से। ये देखो, ये रहा, इसका मुँह तोड़ता हूँ तेरी ऐसे। निकल यहाँ से यार, इसके लग भी नहीं रही यार पानी के अंदर। अब पड़ी इसके, अब रख रख के मारूंगा मैं। यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरे को ऊपर मारना है यार, इनके अंदर जान बहुत ज़्यादा है, मेरे को निकलना पड़ेगा गाइस यहाँ से, अदरवाइज ये लोग मेरे को मार देंगे। अभी फटाफट से गाइस मैं इस जगह से निकलता हूँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। रुको गाइस, यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, ऊपर से जाने से बढ़िया ना यहाँ पर मैं नीचे से जाता हूँ, क्योंकि इन लोग का ध्यान ना ऊपर की तरफ में ज़्यादा है, मेरे हिसाब से नीचे कोई भी नहीं होगा। तो भी गाइस जल्दी से एक बार ना नीचे नीचे एकदम आराम आराम से चलता हूँ, बट जाने से पहले जल्दी से थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि यार हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो कि गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं इस जगह के एकदम फ्रंट में आ चुका हूँ और इधर ना वही वाले काफ़ी सारे मॉन्स्टर हैं। अब यार देखो, ये है तो खतरनाक, बट उतने ज़्यादा भी खतरनाक नहीं है। फिलहाल जो मेरा पोशन है ना वो भी 5 मिनट तक और चलेगा, बट यार इन्होंने पता नहीं ये क्या करा है, मेरे को कौन सा पोशन पिला दिया भाई। मैं पता नहीं अभी क्या सीन है, शायद से मैं कुछ तोड़ ही नहीं सकता। अभी फिलहाल ये वाला ब्लॉक मैं तोड़कर देखता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है। आजा आजा आजा, तेरा मुँह तोड़ डालूंगा मैं यहाँ पर। फिलहाल ये देखो गाइस, ये पता नहीं कौन सा पोशन मेरे को पिला दिया है, यहाँ पर मैं कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं पा रहा। अभी ना इस जगह से थोड़ा सा दूर चलता हूं, जब ये वाला पोशन खत्म हो जाएगा ना तो वापस आऊंगा। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल जो इन्होंने मेरे को पोशन दिया था वो बस 8 सेकंड में खत्म होने वाला है। फिलहाल अभी मैंने टॉर्च लगा लिया है और इस वाले पोशन की वजह से यहाँ पर आप लोग देखो मैं कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी फिलहाल ये वाले पोशन 1 सेकंड और बचा, ये खत्म हो गया। अब देखो सब कुछ टूटना शुरू हो गया। तो अभी जल्दी से मैं इनके एरिया में चलता हूँ और जो भी इनका काम का सामान है वो मैं सारा का सारा चुरा कर लाने वाला हूँ। अब यार देखो, मैं इस बार ना ऊपर से नहीं जाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने मेरे को देख लिया था। एक काम करता हूँ, ये जो ब्लॉक्स हैं ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बड़े। ओ भाई, पीछे कोई आया भाई, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? 1 सेकंड यार, 1 सेकंड में हेडफोन उतार के खेलूंगा, ये तो एकदम झटके से डरा दे रहे हैं यार। अभी फिलहाल जितनी भी चीज़ें ना गाइस, मैं सारी की सारी कलेक्ट करता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर ग्रेवल भी है, बट यार ये जो ब्लॉक है ना, इन ब्लॉक का नाम क्या, मैं इनका नेम पढ़ता हूँ, ये है प्रिज्मरीन ब्रिक्स। चलो यार अभी इन, ओ भाई ये फिर से आ गया गाइस, ये क्या हो जाता है? पता नहीं कौन मेरे को ये वाला इफेक्ट दे जाता है, अब मैं फिर से कुछ नहीं तोड़ पाऊंगा। अबे शिट यार, मेरे को यार अभी ना पानी से गाइस बाहर निकलना चाहिए, वरना तो यार ये लोग मेरे को कुछ भी तोड़ने नहीं देंगे। अगर मेरे पास गाइस मिल्क होगा ना तो मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूँ, और मिल्क के लिए मेरे को बकेट चाहिए, बकेट मेरे पास ऑलरेडी है। तो एक काम करता हूँ गाइस ना, जल्दी से मैं किसी बफेलो को ढूंढता हूँ। फिलहाल यहाँ पर ना पास में थोड़ा सा जंगल है यार, जंगल में तो बफेलो मिल जाएगी। अब यार ऐसे में 100% श्योर तो नहीं कि वो मिल ही जाएगी, बाकी एक बार चलकर देखने में क्या दिक्कत है। वहां से अगर मैं काफी सारा एक बार मिल्क लेकर आ जाऊंगा ना, तो जैसे अगर ये लोग मेरे को ये वाला इफेक्ट देते हैं तो वो मिल्क पीने के बाद चले जाएगा। तो भी जल्दी से मैं यहाँ पर मैं सब कुछ जितने भी थोड़े बहुत शुगर के नए तोड़ता हूँ। सामने की तरफ में एक टर्टल बैठा हुआ चूरन कहीं का, इसको कुछ नहीं कहना। अभी जल्दी से गाइस एक बफेलो ढूंढता हूँ, सामने वो कौन है? नहीं, वो तो फ्लावर्स है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं भागते भागते उस जगह से थोड़ा बहुत आगे आ गया हूँ और अभी फिलहाल जो मेरा वाटर ब्रीथिंग पोशन था वो तो खत्म हो चुका है और फाइनली यहाँ पर मेरे को एक काम मिल चुकी है। अभी जल्दी से काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरी बकेट्स हैं ना उनको बाहर निकालता हूँ और यार फटाफट से मिल्क दे तेरे पास जितना भी है। अभी गाइस यहाँ पर पूरी की पूरी बाल्टियाँ यहाँ पर जितनी भी थी सारी मैंने मिल्क से भर लिया है और अभी मत कर, अभी उठा के फेंक दूंगा, वैसे इतना दिमाग खराब हो रहा है। और अभी मेरे पास वैसे और कुछ तो मेरे को चाहिए नहीं, काम करता हूँ, वैसे मेरे को खाना चाहिए तो सॉरी, मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। अभी गाइस ये मिल्क बकेट मैंने किस लिए फेंक दी भाई? 1 सेकंड, वैसे इतनी कमी हो रही है। अभी यहाँ पर ये फेंको, मिल्क बकेट लो, और यार ये भी जरूरी है, यहाँ पर ये डोर भी जरूरी है, नेदर वॉट की कोई जरूरत नहीं है, नेदर वॉट में फेंकता हूँ, ये फिशिंग रोड उठ गई। तो चलो यार अभी फिलहाल जो भी काम का सामान था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। फिलहाल सामने की तरफ में एक पिग है, उसको भी मार लेता हूँ, क्योंकि गाइस अभी ना खाने की भी बहुत ज्यादा कमी है। और एक बकेट मिल्क ना गाइस यहाँ पर मैं पी लेता हूँ और देखता हूँ ये जो इफेक्ट है ये क्लियर। ओके गाइस, ये देखो यहाँ पर मिल्क पीते ये वाला इफेक्ट चला गया और यहाँ पर ऊपर से स्केलेटन आ रहा है यार, अभी पंगे मतलब वैसे दिमाग खराब हो रखा है। और एक और बफेलो है इस तरफ में, ये वही वाली है दूसरी है, तो अभी इससे भी मैं मिल्क लेता हूँ। अभी मेरे पास मिल्क की काफी सारी बकेट हो गई है और अगर अब वो मेरे को यहाँ पर मतलब की वाला इफेक्ट देते हैं तो मैं उसे मतलब की मिल्क पी के हटा सकता हूँ।
तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ। अब यार देखो अंदर जाने से पहले ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फटाफट से ब्रीथिंग पोशन पी लेता हूँ जिससे कि अंदर मैं अंडर वाटर यहाँ पर आराम से घूम पाऊँ। बाकी यार देखो अभी ना मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो मेरे को मारेगा यानी कि जब वो इफेक्ट देता है तो उसके बाद अगर मैं मिल्क पीऊंगा तो जो मेरा ये वाटर ब्रीथिंग वाला इफेक्ट है ये भी तो हट जाएगा ना। तो यार देखो एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है। अब फिलहाल ये इफेक्ट हट जाए इससे कोई डरने की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस मैं काफ़ी सारे डोर लेकर आया हूँ। वो डोर से गाइस क्या होता है कि ना हम लोग यहाँ पर अगर इस डोर को लगाएंगे तो उसके पीछे की साइड पर मैं खड़े होकर सांस ले सकता हूं पानी के अंदर भी। अबे अनवी को ना समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस जगह के अंदर मैं कहां से एंटर हूं। हर तरफ तो यार यहां पर ये सारे के सारे घूम ही रहे हैं और जैसे ही मैं आता हूं ये लोग यार मारना शुरू कर देते हैं। एक काम करता हूं गाइस ना मैं एक गड्ढा करके अंदर चले जाऊंगा। फिलहाल सिल्क टच वाली डायमंड पिकैक्स हटाकर ये वाली लगाता हूं और अभी तू आ जा मैं तेरे को देख लूंगा बाद में। अभी गाइस मुझे कुछ नहीं करना, बस ना ये वाली जगह तोड़नी है। एक बार ही बस मेरे को इसके अंदर घुसना चाहिए लोग कितना भी मारे। ओ भाई यहां तो अंदर और भी सारे। नहीं 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 यहां पर गाइस मेरे को अनडाइंग वाला पोशन लेना। अनडाइंग नहीं क्या बोल रहा हूं मैं यार, उसको क्या कहते हैं टू टाइम ऑफ अनडाइंग मेरे को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अभी जल्दी जल्दी पीछे चलो भाई, यहाँ पर तो इन्होंने बहुत बुरी तरह मारा। मेरी इतनी तेज हेल्थ कैसे गई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। भाई यहाँ पर ये लोग जब पहले मार रहे थे तो मेरी जरा जरा सी हेल्थ जा रही थी, बट यार इस बार तो इन्होंने मेरे को बहुत तेज मारा। और ये जो इनका अंडर वाटर महल है ना, ये यार अंदर से काफी ज्यादा बड़ा है यार। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ये उससे भी तीन गुना ज्यादा बड़ा है। तो भी जल्दी से यार यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा अंदर जाने का, और गाइस उस रास्ते को ना मैं ढूंढ के दिखाऊंगा और यहाँ पर अंदर जाकर दिखाऊंगा और इनका सारा सामान चुरा कर दिखाऊंगा। अब यार देखो कुछ, ओ भाई तू आ जा, चूर है ना तू एक नंबर का भाई, डरा देता आगे झटके से। तो भी जल्दी से गाइस यार मैं मिल्क पीता हूँ और यहाँ पर मेरा जो ये ब्रीथिंग वाला इफेक्ट है ना गाइस ये भी हट जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मेरे पास डोर है, इन डोर को गाइस यार एक काम करता हूँ ना, ओ यहाँ पर ये डॉल्फिन का आवाज थी। तो चलो भाई अभी फिलहाल ये देखो गाइस इधर मैंने डोर को लगा दिया। अब यहाँ पर ना गाइस खड़े होकर मैं पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ। आप लोग देख रहे हो मेरी हेल्थ नहीं जा रही है, तो यहाँ पर ये मैं अपना एक होल्डिंग पॉइंट बना लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास ना गाइस थोड़ी बहुत वुड है, तो भी ना गाइस वुड को मैं एज अ कवर यूज करने वाला हूँ ताकि अगर ये लोग मेरे को मारने आए ना तो मेरे तक पहुंच ना पाए। तो भी जल्दी से गाइस मैं इधर वुड लगाता हूँ और एक ऊपर लगा देता हूँ और इसको भी ऊपर से ढकना है, ठीक है। ये मैंने ढक दी ऊपर से, चलो यार ये जगह सही है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल पानी के अंदर मैंने एक छोटा सा अपने लिए कमरा बना लिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा ना कि पानी कभी भी नहीं आएगा क्योंकि इधर डोर लगा हुआ है, और अगर ये लोग मेरे को मारेंगे ना तो मैं इधर आकर छुप जाऊंगा और सांस वांस आराम से लूंगा फिर जाऊंगा इनको मारने। फिलहाल अभी ना थोड़ी बहुत फिश भी पड़ी हुई है तो अभी खाना खाने से बढ़िया ना गाइस। अभी यार इसने मेरे को फिर से कैसे इफेक्ट दे दिया यार, इसका क्या सीन है, ये मेरे को देखता भी नहीं है फिर भी यहाँ पर इफेक्ट दे जाता है। यार क्या करूँ मैं इस बंदे का। चलो कोई नहीं, भी फटाफट से दोबारा से मैं मिल्क पीता हूँ। अभी वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिल्क अगर मेरे को ओरची होगा तो ऊपर काफ़ी सारी बफेलो है, मैं वहाँ से जाकर ले आऊँगा। अभी गाइस जल्दी से ना यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और इनके एरिया में एंटर होने की कोशिश करते हैं। मेरे पास गाइस लास्ट पोर्शन बचा हुआ है और यहाँ पर ना गाइस ये जगह मेरे को एकदम परफेक्ट लग रही है। एक गेट गाइस अपना ना मैं यहीं पर लगा देता हूँ और अभी इधर मैं अपना एक कमरा बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने गेट लगाया और इसके अंदर खड़े हो जाऊँ, ये लोग आना चाहे जल्दी 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 जल्दी, बस 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 परफेक्ट एकदम। अभी गाइस जल्दी से ना इस एरिया को मैं पूरा कवर करता हूँ। मेरे को ना गाइस थोड़ी बहुत ना ग्रेवल तोड़ लेनी चाहिए और यार ये लोग आ ना जाए, भी जल्दी से यहाँ पर गाइस थोड़ी बहुत ना ग्रेवल निकालता हूँ जमीन से। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपनी जगह को मैंने चारों तरफ से पूरा का पूरा बंद कर लिया और ग्रेवल अभी गाइस मैंने काफी सारी कलेक्ट कर लिया है। अभी ना गाइस जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं गेट खोलता हूँ और यहाँ पर ना सेम टू सेम इसी तरीके से मैं आगे जाने वाला हूँ। मतलब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा ना अपने लिए एक छोटा सा कमरा बना लूंगा और अभी ना गाइस इनकी जगह पर मैं ना नीचे की तरफ से एंटर होने वाला हूँ। अब देखो ये जो जगह है ना मेरे लिए बेस्ट है। सबसे पहले ना गाइस यहाँ पर कोई गेट रखना है ताकि मैं सांस ले पाऊँ और उसके बाद मेरे को यहाँ पर ग्रेवल रखने, ठीक है, ताकि ये लोग मेरे ऊपर अटैक ना कर पाए। और ये मेरी टॉर्च कहाँ चलेगी, टॉर्च कहाँ चलेगी, एक सेकंड यार टॉर्च रखो, मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो चलो अभी फिलहाल ये जगह मैंने पूरी की पूरी बना लिया है यार, अब मैं इस जगह पर ना सर्वाइव करना समझ गया हूँ। अभी ना गाइस ऊपर की तरफ मैं तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि इन्होंने मेरे को अभी ना दोबारा से पोशन दे दिया था। तो चलो यार अभी सब कुछ ये हो चुका है, अब बस ना मेरे को ऊपर की तरफ मैं तोड़ने में थोड़ा डर लग रहा है। ओ भाई यहाँ पर एक ब्लॉक और तोड़ता हूँ। ओ भाई यहाँ पर ऊपर से गाइस पानी आ गया। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर एक गेट लगा सकता हूँ। नहीं यार इधर गेट नहीं लगा सकता, और बस ऊपर भी देख लो आप वहाँ पर काफी सारे वो वाले मॉन्स्टर है। तो यार इधर से मैं नहीं जाने वाला, कोई नहीं कोई नहीं, कोई दूसरी जगह ढूंढेंगे। बट यार कोई दूसरी ढंग की जगह है अभी तो नहीं, अगर अभी ऊपर जाना है तो यही एक जगह बेस्ट है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल इस जगह से ऊपर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट यार इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं ऊपर चलकर देखता हूँ, ये तो वही बंदा तेरी ऐसे की तरह से निकल यहाँ से, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी इसको बंद करो, अभी इसे बंद करो भाई, ये ऊपर से आके मारेगा। यहाँ पर अगर मैं ग्रेवल रखूंगा तो नीचे आ जाएगी। नहीं 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 चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल ये मेरे सिर पर तो नहीं आ रही और मेरी हेल्थ भी नहीं जा रही इससे। यार इसने मारा तो बहुत बुरी तरह, अच्छी बात यह है कि इसने मेरे को वाला जो पोशन है ना वो नहीं दिया। अभी जल्दी से यहाँ पर सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ। यार बहुत ज्यादा मुश्किल है यार ऊपर जाना, उसको मैं
कैसे मारूंगा मैं? अगर TNT लेकर आता तो ब्लास्ट कर देता, बट अरे अभी ना अपने पास TNT भी नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो ब्लॉक, अबे यार उसने फिर से दे दिया पोशन, कब दिया मेरे को तो पता भी नहीं चला। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको पीते हैं। यहाँ पर ये जितने भी ब्लॉक्स है ना गाइस, अभी मैं इनको तोड़ के खुश हो जाता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि यार वो जो वहाँ पर सी मतलब कि लैंटर्स है ना वो मैं ले पाऊंगा। बाकी यार ये वाले जो स्टोन है इन्हीं को लेकर अभी मैं खुश रहता हूँ। एक गेट लगा लेता हूँ यहाँ पर ताकि मेरी हेल्थ ना जाए, ठीक है? तो यहाँ पर एक मैंने गेट लगा दिया और गेट को देखो उस साइड जा रहा है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ और यहीं पर बैठ के जितने भी स्टोन है ना गाइस सारे के सारे तोड़ता हूँ। तो ओके गाइस, यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल इस जगह पर बैठे बैठे मैंने ना काफी सारे स्टोन तोड़ दिए हैं। और सबसे अच्छी बात देखो गाइस, वहां पर ना एक काफी ज्यादा बढ़िया सी लैंटर्न है, अगर देखो इसको मुझे तोड़ना है। और उसको तोड़ने के लिए गाइस मुझको ना यहाँ पर ये आयरन वाली पिकेक्स है जिसके अंदर सिल्क टच लगा हुआ है। अब यहाँ से खड़े होकर प्लीज टूट जा टूट जा टूट जा, नीचे आइयो प्लीज नीचे आइयो, ऊपर नहीं। ओ भाई ये कहाँ से आ गया यार, ये आ गया। लेकिन गाइस मेरे को ये वाला स्टोन मिल जाएगा, ओपी भाई ओपी एकदम। अभी यहाँ पर खड़े होकर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। अपने लिए ना मैंने नीचे गाइस काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया जगह बना लिया है और यहाँ पर तुम्हारे भाई को सर्वाइव करना आ गया। अभी गाइस जल्दी से, ओए यहाँ पर कोई आया क्या? नहीं 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 कोई नहीं आया। अभी जल्दी से मिल्क पीकर ये वाला पोशन हटाता हूँ और गाइस सेम टू सेम ना उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी तोड़ फोड़ करने वाला हूँ। अब देखो थोड़ा सा ना आगे चलकर इस जगह पर आता हूँ मैं और यहाँ पर गाइस अपने लिए ना एक गेट और बनाता हूँ। ये मैंने रखा गेट सबसे पहले और मैं आ गया अब गेट की इस साइड पर। अब गेट की इस साइड पर मैंने यहाँ पर रखी ग्रेवल और गाइस वो आ गए, वो मेरे को डैमेज करेंगे। बच गया बच गया बच गया, अगर गाइस अभी वो अटैक कर देते ना तो गड़बड़ जाती। फिलहाल ये मैंने तोड़ा और यहाँ पर ऊपर वाला भी तोड़ा और ऊपर से पानी आ गया। ऊपर क्या चीज़ है एक बार देख कर आता हूँ। गाइस ये देखो यहाँ पर ना गाइस एक और वो वाला स्टोन है। अभी जल्दी से मैं इसको एकदम चुपचाप तोड़ के चुरा कर यहां से निकल जाता हूं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मैंने इस तरफ में काफी सारे गेट्स बना लिए, बट यार कोई भी फायदा नहीं है यहां पर, यार कुछ भी काम की चीज नहीं मिल रही। बट यार ये जो ब्लॉक है ना इनको मैं तोड़कर देखता हूं, पता नहीं ये मेरे को कुछ अलग से ब्लॉक लग रहे हैं। अब यार देखो मैं ऊपर नहीं जाने वाला। ओ भाई साहब पता नहीं किसी ने तो मारा बहुत खतरनाक। अभी जल्दी से मैं नीचे चलता हूं। ओ भाई ये कौन मार रहा है? एक सेकंड यार, जल्दी से मैं अपना खाना खाता हूं और बहुत ही बुरी तरह मारी है। और गाइस यार इस तरफ से आपको कुछ अलग अलग से ज़ॉम्बीज का साउंड नहीं आ रहा कुछ ज्यादा ही? यहां पर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज गया नीचे। लेकिन यार पानी के अंदर जो भी, अबे यार ये दोबारा से आ गया। अभी गाइस मेरे को जल्दी से मिल्क लेकर ही आना पड़ेगा। शिट यार ये दोबारा से मेरे को यहां पर घंटी बजा के चला गया। तो चलो गाइस यार अभी ना ऊपर की तरफ से काफी सारा मिल्क लेकर मैं वापस से उसी जगह पर आ गया हूँ। और गाइस यार यही जगह है जहां पर मैं लास्ट टाइम रुका हुआ था। अब यार देखो अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब थोड़ी बहुत बफेलो थी उनको मारकर यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत खाना यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। फिलहाल थोड़ी बहुत फिश है इन्हीं को खाकर अपना पेट भरना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ में ना गाइस वो जो अलग से स्टोन है ना उनको तो गाइस अभी मैं लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। बट यार वहां पर जाने से पहले ना नीचे की तरफ में जो ज़ॉम्बी है इनको भी अभी मैं देखूंगा। काफी ज्यादा आवाज आ रही है नीचे से तो भी उन चीज को भी देखेंगे। और ये देखो इसने मेरे को दोबारा से कर दिया। तो गाइस अभी ना ये जो ऊपर रास्ता है इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं वरना वो बार बार आएगा और बार बार मेरे को वो जो अपने वाला पोशन है पिलाकर चले जाएगा। तो गाइस अभी ना इधर नीचे की तरफ से ना काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज का मेरे को साउंड आ रहा है। तो वहां पर जाने के लिए ना गाइस मेरे पास जो लास्ट पोशन बचा है ब्रीथिंग पोशन, तो भी फटाफट से ना गाइस इसको मैं पीता हूं। अबे यार पी ले इसको। तो चलो अभी फटाफट से वाला पोशन मैंने पी लिया है। अभी यहां पर ओबे भाई बाहर की तरफ मेरा गाइस वाले नहीं, ये तो फिश है यार, फिश से मैं क्यों डर रहा हूं। अभी जल्दी से यहां से बाहर निकलते हैं। इन फिश को मैं मार सकता हूं क्या? मेरे को खाना चाहिए, मरो मरो। ओ भाई मैं फिश को मार के इनसे खाना ले सकता हूं। बाकी यार देखो ज़ॉम्बीज की आवाज मेरे को इधर से आ रही है। तो भी जल्दी से ना ये वाली जो जगह है इसमें मैं पूरा पूरा ना गड्ढा करता हूँ और अभी अंदर चलकर देखते हैं क्या चीज है। और यार मेरी हेल्थ किसने ले गई? एक सेकंड, किसी ने मारा क्या? पता नहीं ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को मारा। ओ भाई फिर हेल्थ गई, ये कौन मार रहा है मेरे को? अभी जल्दी से नीचे चलना भाई, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है नीचे। और गाइस उसने मेरे को फिर से वही चीज पिला दी। अभी फटाफट से ना गाइस यहाँ पर जो ऊपर का रास्ता है इसे मैं ब्लॉक करता हूँ अपने कोबल स्टोन से। यहाँ पर ही मैंने कोबल स्टोन लिया, इसको गाइस थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, पहले पेट भरते हैं। चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने मिल्क पीकर वो जो पोशन है उसे हटा दिया है। अब यार देखो इस जगह से ना मेरे को इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज का साउंड आ रहा है ना, लिटरली आज से पहले मैंने कभी भी इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज का साउंड एक साथ नहीं सुना। और ये किस चीज का साउंड है? ऐसे लग रहा है कोई हेलीकॉप्टर गया। अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मेरे को ना गाइस अबे ये यहाँ पर भी आ गया। अबे यार इसका मैं क्या करूँ, ये जगह चारों तरफ से बंद है बट फिर भी ये आ रहा है। यार ये क्या बंदा है यार, इसको ना अभी मैं और बंद कर देता हूँ। यार अभी तो मेरी इससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं इसका एरिया छोड़ के गाइस इधर आ गया। अभी मैं अपनी जल्दी से टॉर्च लगाता हूँ। अब यार देखो कच्चा खाना पड़ा हुआ है, यही अभी मेरे को खाना पड़ेगा, अदरवाइज अपने पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब मेरे को ना आगे जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गाइस मेरे को पता क्या लग रहा है, जो जगह है ना इसमें बहुत ज़्यादा कोई ना कोई गड़बड़ है। यहाँ पर अगर इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज है तो क्रीपर भी हो सकता है, और अगर क्रीपर हुआ तो बहुत तगड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए मैं ना पहले से ही भागने के लिए एक जगह बना लेता हूँ। यहाँ पर ना बहुत तेज़ भागूंगा अगर उधर क्रीपर हुआ तो, ठीक है? अभी फिलहाल सब कुछ सही है। अभी मेरे को ये जगह ना एकदम आराम आराम से तोड़नी चाहिए एकदम धीरे धीरे। ओ भाई इधर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी है, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कितने यार।
तो चलो फाइनली यहाँ पर जितने भी थे ना ऑलमोस्ट मैंने सभी को मार दिया है। अभी फिलहाल मेरे पास 3-4 मिल्क बकेट और पड़ी है, तो इनको काफी ज्यादा संभल के मैं यूज करूंगा। और अंदर की तरफ में ना अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन होते रहेंगे, इसलिए एक काम करता हूँ वहाँ एक टॉर्च रख देता हूँ। और एक सेकंड आवाज आई कुछ अजीब सी आवाज आई। अभी फिलहाल यहाँ पर इसको एकदम आराम से तोड़ के गाइस मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। क्योंकि गाइस अभी ना फिलहाल मैं उस मॉन्स्टर के एरिया से ना थोड़ा बहुत दूर आ गया हूँ। फिलहाल नीचे की तरफ में ना गाइस यहाँ पर कुछ अलग टाइप के स्टोन है, और अगर मैं इनको अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स से कलेक्ट करूंगा ना तो ये मेरे को एज इट इज मिलने वाले हैं। तो अभी ये सारे के सारे मैं कलेक्ट करता हूँ। ये देखो अभी ये कॉबलस्टोन नहीं बने, ये सारे के सारे वो जो ग्रीन वाले हैं ना वही वाले कलर में रहेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इस तरफ में जितने भी ज़ॉम्बीज थे मैंने सबको मार दिया। अब जो इनका यहाँ पर ये स्पॉनर है ना इसके अंदर गाइस मैं टॉर्च लगा देता हूँ हर तरफ ताकि ये स्पॉन होना बंद करें। और यार एक तो ये पानी की वजह से ना मैं यहाँ पर ये लगा नहीं पा रहा हूँ ढंग से, तो भी चारों तरफ से मैंने इसे बंद करा। अभी ये देखो अभी भी ज़ॉम्बीज स्पॉन हो गए। आ जा तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। अभी ना इसके चारों तरफ गाइस मैंने टॉर्च लगा दी, एक साइड रह गई थी। तो चलो भाई अभी इसकी पांचों साइड पर मैंने टॉर्च लगा दिया है, बट यार ये वाली टॉर्च अभी टूट रही है तो इसको मेरे को ऐसे ब्लॉक करना पड़ेगा। एक तो पानी के अंदर है ना इसलिए दिक्कत हो रही है। फिलहाल इस वाली चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है यार, मैं इतनी उम्मीद करके आया था। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर आने का तो यार अपना कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने मिल्क बकेट तो नहीं पिया, जब मैं वहां पर जाऊंगा तो ही पीऊंगा। और तू कहां से आ रहा है? स्पॉनर यहाँ पर है, ये वहां से आ रहा है, अलग ही चूरन है। तो अभी जल्दी से इसको मैं मारता हूँ। तेरी जान तो बड़ी ज्यादा है इसके अंदर। अभी जल्दी से ना गाइस यहाँ पर से मेरे को एक ब्रेड मिली है, ये वाली ब्रेड खाते और यहाँ से निकलते हैं। बट यार ये जो मेरी मिल्क बकेट है ना इसको मैं पता कब यूज करूंगा, जब मैं उसके एरिया में पहुंच जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यूज करूं और वो जल्दी से आकर दोबारा मेरे को अपना पोशन दे पाए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ऊपर जाने का एक दूसरा रास्ता बनाया। फिलहाल ऊपर की तरफ में मेरे को एक मॉन्स्टर तो नजर आ रहा है, लेकिन ये जो स्टोन है ना गाइस ये मेरे को सारे के सारे कलेक्ट करने हैं। चाहे अभी कोई भी आ जाए लेकिन गाइस यार ये ना मैं सारा का सारा कलेक्ट करके ही जाने वाला हूं। फिलहाल ऐसे कोई आ तो नहीं जाएगा, बट यार वो वाला जो मॉन्स्टर है ना वो यार पता नहीं कब में आकर मार देता है, मतलब वो पोशन दे देता है कुछ पता नहीं चलता। तो अभी जितनी हो पाते ना जल्दी से मैं कलेक्ट करता हूं। वैसे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, हेल्थ गई। अभी जल्दी से यहां से निकलता हूं, और अच्छी बात है ताकि वो भी ना आ पाए। अभी इसके अंदर मेरे को आना है, बस यहां पर अभी थोड़ी देर बैठता हूं। और अभी फटाफट से गाइस यार मेरे को ना वापस वहीं पर जाना है। और ये गलती से ना मेरे से टॉर्च लग जाते हैं, और मेरी काफी सारी टॉर्च ना गाइस अभी वेस्ट भी हो गई है। अभी यार यहां पर थोड़ी बहुत फिश बची है मेरे पास खाने के लिए, और अभी बस यार थोड़ा बहुत सामान ही है और इसके बाद मैं नहीं टिकने वाला यहां पर। तो अभी पहले अपनी हेल्थ वेल्थ बढ़ने का थोड़ा बहुत वेट करते हैं, फिर मैं दोबारा से ऊपर जाऊंगा। बाकी तो यार यहां पर अभी फिलहाल वो बंदा नहीं आया, इसको मैं ढक देता हूं ताकि वो मेरे को देख भी ना पाए। पता नहीं यार उसका क्या सीन होता है, जैसे हम उसके पास जाते हैं मतलब पास भी नहीं कहीं भी चले जाओ वो आता है और अटैक करके चले जाता है। फिलहाल मिल्क भी सारा खत्म हो चुका है, 6 की 6 बकेट खेले हो गई है। अभी जल्दी से यहां पर मेरी हेल्थ बढ़ चुकी है, वापस से ऊपर चलता हूं। और वो जो चीज है मेरी कलेक्ट हो भी रही है या नहीं हो रही एक बार मैं देखता हूं। फिलहाल ये देखो मेरा बैग पूरा भरा हुआ था इसलिए कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ। यहां पर फालतू की चीजें फेंकता हूं और अब चलता हूं। ओ भाई ये कहां से आ गया? नहीं तेरी ऐसे की तरह से इसको अब मैं मारूंगा, इसको मारने से मिलता क्या? आजा बेटा तेरी भैंस की डांग, अब ये मेरे से नहीं बचेगा। यहां पर मैं इसका भूत तो बनाऊंगा। निकल, एक बार और मारना मेरे को। चलो गाइस फाइनली मैंने इसको मार दिया, यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल से मारा बट मार दिया। और यहां पर काफी सारे ब्लॉक्स हैं इनको कलेक्ट करता हूं। इधर गाइस एक गेट रखता हूं, मेरे को अपनी हेल्थ अभी बढ़ानी है भाई, सांस लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार। अगर गेट ना होते तो भाई बचना बड़ा ज्यादा मुश्किल है। यहां पर अभी इन जगह को मैं पूरा बंद करता हूं। फाइनली इधर मैं सर्वाइव कर गया हूं। अभी जल्दी से ना यहां पर मैं थोड़ी बहुत फिश खाता हूं, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने काफी ज्यादा बढ़िया रास्ता बना लिया ऊपर जाने का। और इस तरफ में ना गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो काफी सारे अलग अलग स्टोन है। अभी फिलहाल मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि यार वो मेरे पोशन मार के चले जाए और मैं इसमें फंस जाऊं। भी फिलहाल यहां पर जितने भी ये वाले मतलब कि इसे सी लैंटर्न जो होते हैं इनको भी मैं गाइस जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूं। और डर के मारे देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अभी फिलहाल यहां पर मेरी हेल्थ भी जाना शुरू हो गई है। अभी जल्दी से मैं वापस यहां पर अंदर चलता हूं। और गाइस मैंने काफी सारे कलेक्ट कर लिए हैं, और खाना भी सारा का सारा गाइस अभी खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहां पर ये देखो एक थोड़ा सा यहां पर ये है। अभी फिलहाल गाइस जल्दी से ना मैं पानी से बाहर निकलता हूं, जितनी जल्दी हो सकेगी ना उतनी जल्दी मैं पानी से बाहर जाऊंगा। और यहां पर काफी सारे मॉन्स्टर है, प्लीज अभी मेरे को जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं जा रहा हूं गाइस, अभी इन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। वैसे मैं जा रहा हूं तो कुछ नहीं कह रहे, जब यहां पर आता हूं ना तो सारे के सारे मारने लग जाते हैं। तो चलो गाइस फाइनली यहां पर मैं पहुंच चुका हूं बाहर की तरफ में। सामने गाइस यार काफी सारी आइस है, और इस टाइम पर ना मेरे पास सिल्क टच वाली पिकैक्स भी है। तो एक काम करता हूं थोड़ी बहुत ना यहां से आइस कलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि जो अपने घर पर पोलर बियर है ना तो उसका भी मैं घर भी बना दूंगा। बाकी यार अभी यार आप लोग ना मेरे को कमेंट में जाकर जरूर बताना कि ये जो जगह है यहां पर उस वाले मॉन्स्टर से कैसे बचते हैं यार, वो आता है मार के एक सेकंड में चले जाता है। और अगर हम लोग मिल्क बकेट भी यार आप लोग बस कमेंट में बताना यहां पर प्रो टिप्स क्या लगाऊं कि इधर मैं सर्वाइव कर पाऊं थोड़ी देर। तो भी जल्दी से चलते हैं सामने की तरफ में। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल इस वाले आइलैंड पर आकर मैंने काफी सारी आइस कलेक्ट कर ली है। वैसे आप मतलब ये पूरे आइस के ब्रिक्स हैं। तो भी जल्दी से यहां पर जितने भी है ना सारे के सारे कलेक्ट करता हूं। और यहां पर ये क्या है, ये कलेक्ट नहीं होगी गाइस, ये तो पूरी की पूरी मतलब एक टाइप से स्नो होगी। अब यार देखो यहां पर ये जैसे कि है ना मतलब एज इट इज मैं इसे वहां पर ले जाकर अपने कासल में लगा सकता हूं। अब यार देखो ये जो सिल्क टच वाली पिकैक्स है ना इसका काम ही होता है, अगर हम लोग इसे डायमंड का ओर तोड़ते हैं ना तो इससे हमें डायमंड नहीं मिलता
मिलता इससे मैं पूरा मतलब डायमंड ओर ही मिल जाता है। आखिर उस तरीके में नीचे गिर गया और गाइस वहां पर कुछ अभी मेरे को ग्लो होता हुआ नजर आया। और ये कैसी जगह है? ओ भाई यहाँ पर अपनी पिकैक्स में पहले बाहर निकालता हूँ, ये जगह तो कुछ अजीब सी लग रही है। ओ भाई साहब यहाँ पर गाइस कुछ अलग ही सीन है। फिलहाल इस तरफ में एक चेस्ट है, उस चेस्ट के अंदर यहाँ पर गाइस मेरे को दो फायर चार्ज मिले हैं। नीचे मैक मैप लोक है भाई, मेरी हेल्थ जाएगी ऊपर 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 वापस ऊपर वापस ऊपर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं भाग कर ऊपर आ गया और यहाँ पर मैंने काफी कुछ खा लिया है। और नीचे की तरफ से ये ज़ॉम्बीज भी आ रहे हैं यार, अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा सीधा अपने घर के लिए, वरना यार ये लोग मेरे को कच्चा चबा जाएंगे। अब यार देखो अगर मेरे पास मतलब वो जो पोशन होता ना तो मैं नीचे जाकर जरूर देखता वहां पर क्या है, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो उतनी देर में यार ये लोग मेरे को मतलब कि पकड़ के मारेंगे और मेरे को वापस ऊपर आना पड़ेगा। अभी जल्दी से काम करता हूँ, जितनी आइस हो पाती है वो मैं सारी की सारी कलेक्ट करता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। बाकी तो यार कुछ भी कलेक्ट नहीं हो रहा है, जितना तोड़ रहा हूँ सारा नीचे चले जा रहा है। नहीं नहीं नीचे नहीं जा रहा, उसके ऊपर खड़ा हूँ अभी मैं। तो चलो गाइस फाइनली मैं भागते भागते अपने कासल पर वापस आ चुका हूँ। और गाइस यार इस टाइम पर जितना भी खाना था सारा का सारा खत्म हो चुका है और ये मेरे को मारने आया है। इसको इससे पहले मैं इसी को मार दूंगा, वैसे अगर इसने मेरे को मारा तो मेरी हेल्थ बहुत ही बुरी तरह जाएगी। इससे बढ़िया ना गाइस मेरे को भाग जाना चाहिए वरना यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल पीछे एक क्रीपर है और भाई अगर वो फूटा ना तो जो मेरा मतलब कि विलेजर हॉल है वो भी पूरा का पूरा फूट सकता है। और अभी अच्छा हुआ कि मेरी हेल्थ नहीं गई। अब यार ये रास्ता तोड़ो, मेरे को घर के अंदर जाना है जल्दी से जल्दी। इसको भी मैं लगे हाथ ही ठीक भी कर देता हूँ, यार वो बाहर ही रह गया। खैर छोड़ो इसको मैं बाद में ठीक करूंगा, अभी जल्दी से मैं अपने कासल के अंदर चलता हूँ। और यार ये ले पोलर बियर, मैं तेरे लिए काफी सारा सामान लेकर आया हूँ, अब तू आराम से यहाँ पर सर्दी में रह सकता है। और वैसे ये क्या, एक सेकंड, ये तो आइस है और ये है पैक डाइस, तेरे लिए मैं पैक डाइस लेकर आया हूँ, तू मजे में जी, अब तेरे को कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस यार मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि पोलर बियर का घर ना मैं अपने कासल की छत पर बना दूँ, क्योंकि वहां पर ना बर्फ भी पड़ती है तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट उसके लिए मेरे को अपना एक्सपी फार्म तोड़ना पड़ेगा। अभी गाइस यार जल्दी से यहाँ पर मैं एक चेस्ट लेता हूँ, चेस्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। भाई आज तो हालत खराब हो गई यार, लेकिन ज्यादा कुछ मेरे को मिला नहीं। मैं सोच रहा था डायमंड वायमंड लेकर आऊंगा फुल, बट ज्यादा कुछ नहीं मिला। बट ये है डार्क प्रिज्मरीन मेरे को मिले हैं और ये कुछ तीन चार चीजें मेरे को नई मिली है, जैसे एक ये नई चीज हो गई, ये भी नई चीज है, ये भी नई चीज है, और साथ में और तो एक ये मेरे को पता था ये कैसे मिल जाता है, ये नॉर्मली सी में ना काफी जगहों पर मिलता है, बट ये सब चीजें मैं पहली बार देख रहा हूं। तो भी फिलहाल जल्दी खाना खाओ भैया वरना आखिरी बार देखूंगा ये। अभी फिलहाल फायर चार्ज भी मेरे को मिल गया था उस जगह से। और खाना 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 यार, इधर तो खाना है ही नहीं यार बिल्कुल भी, इतना सारा मैंने खाना पकाया था कहां चला गया, इसके अंदर है क्या? तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैं खाना पका के खा रहा हूँ, क्योंकि जितना भी मैंने कुक कर रखा था ना वो धीरे धीरे कर यार सारा का सारा खत्म हो गया है। अब यार देखो मेरे को ना भी यहाँ पर बफेलोज वगैरह को मार कर काफी ज्यादा खाना इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं पहले भी ऐसे करता था, एक ही दिन आराम से बैठ कर बहुत सारा खाना बनाकर एक चेस्ट में डाल देता था। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ ओनली 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि मुझे नेक्स्ट एपिसोड में क्या करना चाहिए। और जो भी चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय।